नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट, आज आपको दुकान के बारे में बताना चाहूँगा। आपके अपनी दुकान है और टू साइड ओपन है और आपने अपने दुकान के अंदर काउंटर लगाए हुए हैं और आपका कस्टमर बाहर खड़ा होता है और दुकान के अंदर आने की जो एंट्रेंस है वो आपकी गलत दिशा में बनी हुई है, तो आपके यहाँ सेल अच्छी नहीं हो सकती। मान लीजिए आपकी अपनी दुकान नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी और वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी, यानी उत्तर और पश्चिम मुखी आपकी दुकान है, जिसमें उत्तर में गली लगती है और पश्चिम दिशा में गली लगती है, और आपने अपने यहाँ फ्रंट में काउंटर बनाया हुआ है और एक काउंटर आपने यहाँ बनाया हुआ है, और आपका अपना दुकान में अंदर जाने का जो रास्ता है वो आपने यहाँ से बना रखा है, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आपने अपनी दुकान के अंदर जाने का रास्ता बनाया हुआ है। आप नॉर्थ का भी शटर ओपन करते हैं और वेस्ट का भी शटर ओपन करते हैं, और शटर ओपन करने के बाद फिर आप और आपका स्टाफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से दुकान के अंदर जाता है, तो मेरा अपना मानना है कि आपके दिन भर के खर्चे भी पूरे आपकी दुकान से नहीं होते। आप अपनी दुकान के खर्चे भी निकालना चाहते हैं और अपने घर सेविंग भी ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप छोटा सा उपाय जरूर करें। छोटा सा उपाय कैसे? या तो आप अपने यहाँ पर इस काउंटर को, जो ये काउंटर है, इस पूरे काउंटर को आप इस काउंटर के साथ ऐसे मिलाएं। आने जाने का रास्ता आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण से बनाएंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ सेल प्लस होनी शुरू हो जाएगी, आपके खर्चे भी पूरे होंगे और आपके यहाँ प्रॉफिट भी आएगा, और वो प्रॉफिट आप अपने घर पर भी लेकर जाएंगे। ऐसे ही आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप वेस्ट में आप अपना काउंटर यहाँ तक बनाएं, ये आप अपना एक काउंटर बनाएं वेस्ट का, और नॉर्थ वाला काउंटर कंप्लीट यहाँ पर मिलाएं, और आने जाने का जो रास्ता है वो आप यहाँ से बनाएंगे। आप भी यहाँ से आएंगे और आपका स्टाफ भी यहाँ से दुकान के अंदर आएगा, तो आपकी सेल हमेशा ही प्लस होगी। आप अपनी दुकान के अंदर चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपने केमिस्ट स्टोर खोला हुआ है, चाहे आपका अपना जनरल स्टोर है, या आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, या कंप्यूटर सेल करने का काम है, आप अपनी दुकान के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, यदि आप अपने दुकान के अंदर आने का रास्ता सही कर लेते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। ये छोटा सा उपाय करने में भी मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे, और इसमें आपने कुछ खर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंटर की सेटिंग थोड़ी सी बदलनी है, आगे पीछे काउंटर को करना है। इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ। आप नॉर्थ से एंट्रेंस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस करते हैं, और आप अपनी दुकान के बाहर डोरमैट रखते हैं, फुटमैट रखते हैं, तो यहाँ पर आप ब्लू कलर का फुटमैट रखेंगे तो इससे भी आपके यहाँ सेल प्लस हो जाएगी। और ऐसे ही वेस्ट में आप एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पर आप ग्रे कलर का डोरमैट फुटमैट रखेंगे तो उससे भी आपकी सेल प्लस हो जाएगी। ये उपाय आप अपने यहाँ पर जरूर करके देखें। आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आपका दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आप खुद भी वीडियो देखिएगा, अपने स्टाफ को भी वीडियो दिखाइएगा, और इसी के साथ आप अपने घर के फैमिली मेम्बर को भी वीडियो दिखाइएगा, और मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर यह छोटा सा उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे। जो व्यक्ति कोशिश करता है उसको कामयाबी जरूर मिल जाती है। आप अपनी दुकान रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप अपनी नई दुकान ओपन करने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार साइट का मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।